हाँ जी सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2018 क्वेश्चन में आपको ए वन इज इक्वल टू वन दिया हुआ है और एन प्लस वन डिफाइन किया गया विच इज माइनस वन टू दावर एन वन बाई टू मोड ऑफ एन प्लस टू अपॉन मोड ए एन ये डिफाइन किया गया एंड देन ऑप्शंस में आपसे फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस एन इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ टू सेकेंड लिमिट इन्फीरियर ऑफ ए एन इज माइनस इनफिनिटी, थर्ड ऑप्शन लिमिट ऑफ दिस सिक्वेंस ए एन इज रूट टू और डी ऑप्शन कह रहा है कि द सुप्रीम ऑफ दिस ए एन इज इक्वल टू रूट टू ये ऑप्शन आपको दिए गए ठीक है तो अगर आप एक सिक्वेंस कंसीडर करें एक्स एन इज इक्वल टू वन बाई टू टाइम एक्स एन प्लस टू अपॉन एक्स एन ठीक है और अगर मैं इनिशियल वैल्यू एक्स वन ग्रेटर देन जीरो दे दूं तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि दिस एक्स एन इज कन्वर्जेस टू रूट टू बिकॉज अगर आपने न्यूमेरिकल पढ़ा हुआ है तो दिस इज एन आर मैथड फॉर स्क्वेर रूट ऑफ टू ठीक है ये आप प्रूव कर सकते हैं कि ये हमेशा रूट टू पे कन्वर्ज करेगा अब अगर मैं यहां से मोड ए एन प्लस वन लिखता हूं तो वो क्या आ जाएगा वन बाई टू टाइम मोड ऑफ एन प्लस टू अपॉन मोड ऑफ ए एन ठीक है और मोड ऑफ ए एन प्लस वन को अगर आप एक्स एन प्लस वन रिप्लेस कर दे और मोड ऑफ़ ए एन को अगर आप एक्सएन रिप्लेस कर दें तो आपका ये जो सीक्वेंस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू वन बाई टू टाइम एक्स एन प्लस टू अपॉन एक्स एन ठीक है तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आएगा कि मोड ऑफ ए एन प्लस वन कहाँ कन्वर्ज करेगा रूट टू पे कन्वर्ज करेगा मोड ऑफ ए एन प्लस वन इज कन्वर्जेस टू टू क्योंकि वो इसी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और अगर ये रूट टू पे कन्वर्ज कर रहा है तो डेफिनेटली मोड ऑफ ए एन प्लस वन या तो सॉरी ए एन प्लस वन या तो रूट टू पे जाएगा या ए एन प्लस सॉरी ये रूट टू पे टेंड कर रहा है अब इस पर थोड़ी सी और कैलकुलेशन करता हूं अगर मैं यहां ए ऑफ की बात करूंगा तो ऑफ टू क्या आएगा माइनस वन बाई टू टाइम माइनस वन बाई टू टाइम मोड ऑफ सॉरी मोड ऑफ ए वन प्लस टू अपॉन मोड ऑफ ए वन तो ये क्वांटिटी डेफिनेटली नेगेटिव रहेगी या इन जर्नल आप ये कर लीजिए कि ए ऑफ टू एन की अगर बात करूंगा तो वो माइनस वन बाई टू टाइम मोड ऑफ ए टू एन माइनस वन प्लस टू अपॉन मोड ऑफ ए टू एन माइनस वन ये क्वांटिटी पॉजिटिव है यहां माइनस साइन है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव रहेगी ठीक है तो अगर मैं यहां से मोड ऑफ ए टू एन की बात करता हूं तो वह बेसिकली मोड ऑफ ए टू एन को रिप्रेजेंट करेगा ये क्वांटिटी रूट टू पर जा रही है तो इंप्लाइज ए टू एन जो अटेंड टेंड करेगा वो माइनस रूट टू पर टेंड कर जाएगा ये क्लियर है क्योंकि इवन टर्म का सिक्वेंस नेगेटिव है अगर ए टू एन प्लस वन या माइनस वन की बात करूंगा तो वो वन बाई टू ये प्लस साइन आ जाएगा मोड ऑफ ए टू एन प्लस टू अपॉन मोड ऑफ ए टू एन आ जाएगा ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो यहाँ से अगर मैं मोड ऑफ ए टू एन प्लस वन की बात करूँगा तो वो ए ऑफ टू एन प्लस वन को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है और ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है रूट टू पे। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आया इस सिक्वेंस में जो पॉजिटिव टर्म इवन टर्म का सिक्वेंस है ए टू एन इट इज कन्वर्जेज टू रूट टू और ए टू एन माइनस वन इट इज कन्वर्जेज टू रूट टू या प्लस वन तो टर्म का सीक्वेंस माइनस रू, रूट टू पे जा रहा है इवन टर्म का सीक्वेंस माइनस रूट टू पे कन्वर्ज कर रहा है ठीक तो है तो यहां से इंफॉर्मेशन क्या आएगी आपके पास कि इस सीक्वेंस का लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट क्या होगा रूट टू स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट क्या होगा माइनस रूट टू क्योंकि ये दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सिक्वेंसेज और अगर कॉम्प्लीमेंट्री सब सिक्वेंसेज कन्वर्ज करते हैं तो सिक्वेंस के पास वही पॉसिबल लिमिट पॉइंट होते हैं तो आपके पास लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन वो क्या हो गया रूट टू और लिमिट इनफीरियर ऑफ ए एन क्या हो गया माइनस रूट टू तो पहला ऑप्शन ट्रू हो गया सेकेंड फॉल्स हो गया थर्ड फॉल्स हो गया क्योंकि दो लिमिट पॉइंट है तो ये कन्वर्ज नहीं कर सकता अब सुप्रीम वैल्यू फाइंड करनी है तो वो कहाँ से मिलेगी पॉजिटिव टर्म से तो ए वन आपको वन दिया हुआ है ए थ्री कैलकुलेट करूंगा तो यहां से जब मैं ए टू कैलकुलेट करूंगा तो वो माइनस वन बाई टू टाइम वन प्लस टू यानी कि माइनस थ्री बाई टू आ जाएगा जब ए थ्री कैलकुलेट करूंगा तो वन बाई टू टाइम ये वैल्यू मोड ऑफ दिस पुट करूंगा तो थ्री बाई टू प्लस फोर बाई थ्री आ जाएगा तो ये आपके पास सेवनटीन बाई ट्वेल्व आ जाएगा और ये वैल्यू रूट टू से ग्रेटर होगी यानी कि ये सुप्रीमम रूट टू तो कभी नहीं मिलेगा तो आपका आंसर क्या बचा